लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हॉर्टिकल्चर गुरुजी चैनल को, और लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर लेक्चर्स की वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस टॉपिक को हिंदी में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.horticulturguruji.in पर जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन फर्स्ट टॉपिक विच इज़ डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। फर्स्ट इज डेफिनेशन, ओलेरिकल्चर। ठीक है, ओलेरिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, ओलेरिस और कल्चर। ओलेरिस लैटिन शब्द है जिसका मतलब शाक या पोट हर्ब होता है, जबकि जो कल्चर है इसका मतलब कल्टीवेशन से होता है, ये एक इंग्लिश शब्द है। तो सब्जियों को उगाने का विज्ञान या शाक को उगाने का विज्ञान ओलेरिकल्चर कहलाता है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर डिफाइंड एज एडिबल हर्पेसियस प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स कंज्यूम्ड एज रॉ और आफ्टर कुकिंग एंड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, लो इन क्लोरीफिक वैल्यू। वेजिटेबल्स होती हैं, उनको डिफाइंड किया जा सकता है कि वो एक शाकीय पौधे होते हैं, पौधों के भाग होते हैं जिनको पकाकर या कच्चा खाया जा सकता है, और रिच विटामिन्स के अंदर और मिनरल्स के अंदर रिच होते हैं, मतलब उनमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी क्लोरीफिक वैल्यू बहुत ही कम होती है। हॉर्टिकल्चर इज गेनिंग इम्पोर्टेंस एज इट गिव्स मोर रिटर्न पर यूनिट एरिया एंड आल्सो गिव्स न्यूट्रिशियस फूड टू ह्यूमन बीइंग, देयर बाय इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनहांस द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ नेचर। जो हॉर्टिकल्चर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जिसमें जो नेट रिटर्न होता है पर यूनिट का बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशियस फूड देता है, इसके अलावा जो जीवन स्तर होता है मनुष्य का उसको ये उच्च करता है, इसके अलावा नेचर की जो ब्यूटी है उस एस्थेटिक ब्यूटी है उस सौंदर्य या ब्यूटी को भी ये एनहांस करता है, बढ़ाता है। वेजिटेबल ग्रोविंग इज वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। वेजिटेबल को उगाना एक इसी हॉर्टिकल्चर की एक महत्वपूर्ण शाखा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच। अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, रिच सोर्स ऑफ बेसिक प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स। सब्जियाँ होती हैं, इनके अंदर बहुत से जो शरीर को बेसिक ज़रूरत होती है जिनकी, ऐसे न्यूट्रिएंट जहाँ जो बीमारियों से बचाते हैं अपने को, जो अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स से भरपूर होती हैं। जैसे ये देखो कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा जो स्टार्ची फ्रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, टैपियोका है, जाम्स है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो दूसरी बात की जाए प्रोटीन्स की, जो कि अपनी अमीनो एसिड और ग्रोथ और जो रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये सबसे ज़्यादा जो बीन्स होते हैं, लिम्बा बीन, ब्रॉड बीन, पीज, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। अगर बात की जाए कैल्शियम की, जो कि हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और ब्लड क्लॉथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो सबसे ज़्यादा एमरेंथस, कॉलीफ्लावर, ड्रमस्टिक, लिप्स, लेटूस, मेथी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर बात आयरन की जाए, लोह तत्व की, तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने जो ह्यूमन ग्लोबिन होता है इसके लिए, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मोरिंगा लीव्स, एमरेंथस, मेथी, ड्रमस्टिक, स्पिनच, पालक, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर फास्फोरस की बात की जाए तो ये सेल मल्टीप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होता है।
ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पोटैटो, कैरेट, टोमेटो, कुकुम्बर, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, लेटूस, ऑनियन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर विटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन ए, ये सबसे ज़्यादा कैरेट, स्पिनच, पालक, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन के अंदर पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए जिसमें थियामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा पीज के अंदर, मटर के अंदर होता है, ब्रॉड बीन, लिम्बा बीन, गार्लिक, एस्पेरेकस के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। तो अगर बात विटामिन सी की जाए तो ये भी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, और इसकी जो कमी के कारण कई बार स्कर्वी डिजीज हो जाती है, और इसके अलावा ब्लीडिंग गम्स और कई और भी बीमारियां होती हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है टर्निप के अंदर, ग्रीन चिल्ली के अंदर, ब्रुसेल स्प्राउट के अंदर, मस्टर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। विटामिन डी सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है विटामिन डी। और विटामिन ई जो प्रजनन क्षमता के लिए जरूरी होता है, वो कैबेज, लेटूस, मेथी, इसमें ज़्यादा पाया जाता है, बढ़ाते हैं वो एलिमेंट पाए जाते हैं। सेकंड है मोर यील्ड पर यूनिट एरिया, जो सब्जियां होती हैं अगर अपने इनकी तुलना किसी एग्रोनॉमी वाली फसल से की जाए, सीरियल क्रॉप से की जाए, तो उनकी तुलना में ये ज़्यादा उपज देती हैं, पर हेक्टर ज़्यादा उपज देती हैं या पर यूनिट ज़्यादा उपज देती हैं। जैसे वीट की मान लो कि लगभग 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर के आसपास निकलती होगी, और पैडी जो धान है उसकी भी लगभग 25-30 क्विंटल पर हेक्टर निकलती होगी। पर कभी आलू की आपने सोचा है कितनी निकलती होगी? 150 से 200 क्विंटल तक निकलती है। कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर की 125 से 175 क्विंटल तक पर हेक्टर तक उपज मिल जाती है। और अगर वाटरमेलन की बात की जाए तो 200 से 225 क्विंटल तक पर हेक्टर उपज मिल जाती है। तो मोर यील्ड मिलती है पर यूनिट एरिया, ठीक है। मोर नेक्स्ट है मोर नेट रिटर्न पर यूनिट एरिया पर डे। जो सब्जियां होती हैं वो पर ये क्विक ग्रोविंग टाइप की होती है। क्विक ग्रोविंग मतलब बस इनका जीवन चक्कर, जैसे उगाई 2 महीने बाद ही इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और अगर इनकी बात की जाए कि ये रोज़ाना की रोज़ाना इनकम देती हैं, जो भी छोटे फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, और उनके लिए डेली की जो रिक्वायरमेंट है पैसों की, मनी की, वो इसको ये फुलफिल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल इन एग्रोफॉरेस्ट्री। बहुत सी सब्जियां हैं जिनकी प्लांटिंग पेड़ों के अंदर, जो लगे हुए पेड़ हैं, जहाँ कोई बाग लगा हुआ है किसी ऑर्चार्ड के अंदर, प्लांटिंग करने के लिए सुटेबल होती हैं। जैसे आप पोटैटो है, टोमेटो है, ओनियन है, पीज है, चिल्ली है, मतलब जो उनकी इनिशियल स्टेज होती है पौधे की, तब ये इनकी प्लांटिंग करके अपने एडिशनल इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई फॉरेस्ट्री वाला अपनी जगह, कोई विलेज ऐसा है जिसके चारों तरफ जमीन कम है और फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ भी लोग इसकी सब्जी उगाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ मैन पावर पर यूनिट एरिया। जो ये साइंस अपने वेजिटेबल्स हैं, इनकी कह लो कि इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो साल भर लगभग सब्जियों की कल्टीवेशन होती रहती है, उसके लिए आदमियों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है। जब फिर कोई, ये मान लो कोई इंडस्ट्रीज लगी हुई है, कोई चिप्स बना रही है आलू की, कोई सॉस बना रही है, कोई प्यूरी बना रही है, प्रोसेसिंग हो रही है मतलब उनकी सब्जियों की, तो वहाँ पे भी लेबर की साल भर ज़रूरत रहती है, वो फैक्ट्रियाँ साल भर चलती रहती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर खप जाती है, लग जाती है, और ज़्यादा लेबर जनरेट करती है, मतलब लेबर के लिए जॉब्स जनरेट करती है। सिक्स है सुटेबिलिटी फॉर सक्सेशन एंड देयर क्रॉपिंग रिजल्ट
इन ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। जो वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन द पेरिनियल क्रॉप, और चार्ड वेजिटेबल्स कैन वेरी मच ग्रोन एज एन इंटर क्रॉप। मतलब ये कह लो कि जो पुराने जैसे बाग लगे हुए हैं, बाग के अंदर भी अपने बीच में जो जगह खाली बची हुई स्पेस है, जगह है, तो वहाँ पे सब्जियाँ उगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फसल है उसका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, अपने उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। मतलब एक एरिया से अपने ज़्यादा फसल ले सकते हैं, एक साल के अंदर या एक यूनिट टाइम के अंदर अपने बहुत ज़्यादा फसलें एक ही जगह से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन प्रोग्राम। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि सब्जियां, अगर आपने कोई फ्रूट वाली फसल उगाई हुई है पर अपने उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, फ्रूट वाली फसलों को अपने कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हो सकता है कि मार्केट डिमांड का क्या पता, हो सकता है आज फ्रूट की किसी फ्रूट की अच्छी वैल्यू कीमत मिल रही है, पर कल को हो सकता है कि उसकी कीमत मार्केट में ना मिले अपने को। तो ऐसा तो नहीं कि अपने उस लगे लगाए बाग को, जो जिसको अपने 4 साल या 5 साल संभाला है, उसको अपने खुद नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। पर सब्जियों के अंदर ये होता है कि अगर आपका हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का रेट नहीं मिल रहा, तो आप उस चीज़ को ख़त्म उस चीज़ को अपने चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि भाई मुझे लग रहा है कि इसका मुझे ज़्यादा रेट मिलेगा तो मैं सब्जी चेंज करके बोलूँगा, ठीक है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसके प्रोडक्शन में, जबकि दूसरी फसलों में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स। एस्थेटिक वैल्यू होती है सौंदर्य वाली, जो उसकी कलात्मक कह लो, कि घर के अंदर अपने अगर वेजिटेबल्स किचन गार्डन लगाते हैं, होम गार्डन लगाते हैं, तो वो उसकी जो नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता होती है उसको वृद्धि करता है। इसके अलावा जो घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं, औरतें होती हैं, उनको भी एक तरीके से खाली टाइम में जॉयफुल वाला और प्लेजर वाला काम मिल जाता है, कि वो वहाँ पे काम करती हैं, अपने घर के लिए सब्जियाँ भी उगा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल्स कॉम्बैट अंडर न्यूशमेंट एंड आर नोन टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव फूड। जो वेजिटेबल्स होती हैं, न्यूशमेंट कह लो कि उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और ये शरीर को पोषण देती हैं, और प्रोटेक्टिव फूड की तरह काम करती हैं, मतलब जैसे पत्ती रक्षा करती है शरीर की, तो उस तरह से ये काम करती है। एज पर न्यूट्रिशिस्ट, पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी 300 ग्राम, इन विच 115 ग्राम लीफी वेजिटेबल, 70 ग्राम रूट वेजिटेबल, 150 ग्राम अदर्स। जो एक स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है डेली की, जो रिकमेंड किया जाता है, वो 300 ग्राम किया जाता है, और किसी किसी किताब के अंदर आपको 285 ग्राम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 300 ग्राम रहती है, जिसमें से 115 ग्राम लीफी वेजिटेबल और 70 ग्राम उसे रूट वेजिटेबल, जो जड़ वाली सब्जियां खानी चाहिए, और जो बच जाती हैं 115 ग्राम, उसमें आपकी जो भी स्टेम वाली हैं या फ्रूट वाली सब्जियां हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए, उनको खाना चाहिए। रेडिश लीव्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन फॉलोड बाय फेनुग्रीक लीव्स। रेडिश लीफ, जो मूली की पत्ती होती है, उसमें राइबोफ्लेविन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है। उसके बाद जो फेनुग्रीक मेथी है उसकी पत्ती में पाया जाता है। फॉर गुड हेल्थ द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए पर डे इज मोर देन 200 IU। एक स्वस्थ व्यक्ति की जो जरूरत होती है प्रतिदिन की विटामिन ए की, वो लगभग 2000 IU के आसपास होती है। उसको 2000 IU विटामिन ए प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, मतलब खाना चाहिए। आयरन रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे फॉर गुड हेल्थ इज अबाउट 3 मिलीग्राम, और जो लोह तत्व या आयरन है उसकी प्रति व्यक्ति 3 मिलीग्राम उसे लेना चाहिए, अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कैल्शियम रिक्वायरमेंट 20 मिलीग्राम होती है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 20 मिलीग्राम खाना चाहिए। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय इंडिया। सब्जियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन के अंदर होता है,
चाइना के अंदर होता है, और दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है। भारत दूसरे नंबर पे है प्रोडक्शन में। इंडिया ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन इन कॉलीफ्लावर, सेकंड इन ऑनियन एंड थर्ड इन कैबेज इन द वर्ल्ड। मतलब जो सब्जियों का प्रोडक्शन होता है उनमें कॉलीफ्लावर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। और प्याज है वो दूसरे नंबर पे आता है प्याज के उत्पादन में, और तीसरे नंबर पे आता है कैबेज जो पत्ता गोभी है उसके उत्पादन में भारत। इंडिया शेयर्स 13.38% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। इंडिया विश्व का लगभग 13.38% जो विश्व का प्रोडक्शन है सब्जियों का वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। वैसे ये कभी कभी 14 में से लिखा जाता है, ठीक है। वेजिटेबल क्रॉप्स ऑक्यूपाई ओनली 2.8% ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड लैंड। वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं वो इंडिया के अंदर, वैसे ये मान लो कि सब्जियां जो जितनी भी होती हैं उनका, सॉरी सब्जियां नहीं, जितनी भी अपने इंडिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर फसलें होती हैं कोई भी हो, भले वो सीरियल क्रॉप्स हों, भले वो मसाले हों, फ्रूट क्रॉप्स हों, फ्लोरिकल्चर हो, फ्लोवर्स फसलें जो भी हैं, इसके अलावा जो भी आपकी कोई प्लांटेशन है, तो उन सब के अंदर अगर उन सब का एरिया देखा जाए तो उनमें से 2.8% पे वेजिटेबल क्रॉप कल्टीवेटेड होती हैं, ठीक है। द एरिया एंड प्रोडक्शन वाइज लार्जेस्ट वेजिटेबल ग्रोविंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। अगर एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज देखा जाए सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में सब्जियाँ होती हैं, फिर दूसरे नंबर पे उड़ीसा। ओवर द लास्ट डिकेड द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर ग्रू बाय 2.6% पर एनम एंड एनुअल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 4.8%। जो पिछले कुछ साल थे उनमें जो एरिया बढ़ा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का 2.6% बढ़ा, और जो प्रोडक्शन वो 4.8%। ड्यूरिंग 2017-18 द सेकंड हॉर्टिकल्चर स्टेटिक्स एट ए ग्लैंस 2018 प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वाज 311.71 million tons फ्रॉम एन एरिया ऑफ 25.43 million hectare। जो कुछ पिछले जो एस्टिमेटेड डाटा था 2018 का, जो अभी लेटेस्ट डाटा है मान लो कि अभी यही आया हुआ है, तो उसका जो सेकंड एस्टिमेट था उसके हिसाब से जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनका जो प्रोडक्शन था वो था 311.71 million ton, और जो एरिया था उनका वो था 25.43 million hectare। मतलब इतने क्षेत्र से इतनी सब्जियां प्रोड्यूस हुई, जहाँ इतनी सब्जी नहीं सॉरी इतने हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्ट से उनका प्रोडक्शन हुआ। द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल हैज इंक्रीज फ्रॉम 101.2 million tons टू 184.40 million tons सिंस 2004-05 to 2017-18। जो 2004-05 का जो डाटा था ये कह लो कि उस टाइम सब्जियों का प्रोडक्शन, सब्जियों का प्रोडक्शन 101.2 था, ठीक है, और 2017-18 के अंदर 184.40 million tons, मतलब इतना बढ़ गया। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल नेक्स्ट ओनली टू चाइना। इंडिया है सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरे नंबर का है, मतलब चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। वेजिटेबल्स क्रॉप्स इन इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 2.8% ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड लैंड। मतलब जो जितना भी क्षेत्र है हॉर्टिकल्चर फसलों का उसमें से 2.8% क्षेत्र के अंदर 7.99 million hectare जो भी है, 7.99 million hectare के अंदर कल्टीवेटेड होती हैं, और जिनका प्रोडक्शन था 133.9 million ton, ठीक है, 133.9 million, 133.9 million tons वेजिटेबल का प्रोडक्शन हुआ। इंडिया शेयर्स 12% ऑफ वर्ल्ड
production of the vegetable, which a productivity of about 15 ton per hectare, which is quite low as compared to many countries. India का जो share है production vegetables का वो 12% के आसपास है और इनकी जो productivity है वो लगभग 15 ton per hectare के आसपास है, जो काफ़ी कम है. वैसे जो शेयर है वो 13 point कुछ है, जो मैंने पहले भी बताया था. तो कई बार क्या होता है कि लिखा रह जाता है 12, तो 13 के आसपास है या 14 कह सकते हो आप, 13 या 14 रहता है, 12 तो पुराना था. तो और प्रोडक्टिविटी 15 के आसपास है, जो काफ़ी कम है. दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी प्रोडक्टिविटी सब्जियों के अंदर ज़्यादा है. अपने पास एरिया ज़्यादा है इसलिए अपना प्रोडक्शन सेकंड नंबर पे आ रहे हैं. अगर अपने पास एरिया कम होता तो अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होता. द प्रजेंट प्रोडक्शन इज नॉट सफिशियंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स ऑन एन एवरेज पर कैपिटा पर डे. जो अभी का प्रोडक्शन है फिलहाल का, उसके हिसाब से अपने 300 ग्राम वेजिटेबल्स अपने प्रोवाइड नहीं कर सकते पर आदमी को, जो पर ठीक है, प्रत्येक आदमी को अपने प्रतिदिन 300 ग्राम वेजिटेबल प्रोवाइड नहीं कर सकते. अपने ओनली 145 ग्राम जो सब्जियां हैं वो ही प्रोवाइड कर सकते हैं. अपने इस टेबल के अंदर देख रहे हैं कि भाई ये 2018-19 का जो डाटा है वो है, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ही लिया हुआ डाटा है. इसमें स्टेट वाइज दिया हुआ है कि कौन सी एरिया और प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट है और कौन सी सेकंड है. तो अपने सबसे पहले देखते हैं वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे आ रहा है एरिया के अंदर भी और प्रोडक्शन के भी अंदर भी. जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वो दिया हुआ है वो 1000 हेक्टर के अंदर है. याद रखना जितना भी लिखा हुआ उसके बाद 1000 हेक्टर, यानी कि 30 लगा के उसके बाद हेक्टर. तो वेस्ट बंगाल का है 1490.39 हज़ार हेक्टर, ये फर्स्ट नंबर पे है. और इसका जो प्रोडक्शन है 295.45 हज़ार टन्स, ठीक है. और सेकंड नंबर पे आ रहा है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है, सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पे एरिया है और उतना ही उसका, दूसरे नंबर के हिसाब से ही उसका प्रोडक्शन है. तीसरे नंबर पे बिहार आ रहा है, बिहार का है एरिया और उतना ही उसका भी प्रोडक्शन है तीसरे नंबर पे. जबकि चौथे नंबर पे जो आता है गुजरात, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, और महाराष्ट्र आता है एरिया वाइज, ठीक है. और दूसरी भी स्टेट दी हुई है, अगर किसी को डाटा चाहिए तो वो इससे नोट कर सकता है. फिर प्रोडक्शन शेयर ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन परसेंटेज. अपने अगर बात की जाए कि कौन सी फसल कितने परसेंट या उनका कितना शेयर है, कितना परसेंट है, तो अपने लेटेस्ट ही देखते हैं 2017-18 जो लास्ट वाला है, 31.2% क्षेत्र में या 2% उनका शेयर है, 31.2%. फिर है नेक्स्ट वेजिटेबल्स का जो रेड कलर में है, 59.2%, ज़्यादातर ये 60 इसको लिखा जाता है, 60 भी लिख देते हैं, ठीक है. और फिर आता है फ्लावर्स एंड एरोमेटिक्स का 1.2%. नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप का 5.8. फिर है स्पाइस का, मसालों का 2.6% लास्ट में, ठीक है. In 2017-18, the total horticulture production was highest in case of Uttar Pradesh, 392.48 lakh tons, followed by West Bengal, 324.2 lakh tons. मतलब जो 2017-18 का production share था उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा production था, और उसके बाद West Bengal का था कि West Bengal में इतना production हो रहा है हॉर्टिकल्चर का. वैसे ये याद रखना कि वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वेजिटेबल्स का, ये हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन था, हॉर्टिकल्चर फसलों का टोटल, ठीक है. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब फसलें हॉर्टिकल्चर वाले प्रोड्यूस हुए थे, उसमें फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, स्पाइस भी हो सकते हैं, सारे टोटल 392.48 लाख टन्स. उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर था 324.2 लाख टन्स. इसके बाद कुछ मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स,
ये है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मतलब सारी की सारी जो हॉर्टिकल्चर वाली फसलें हैं उन सब का प्रोडक्शन। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 12.6, वेस्ट बंगाल के अंदर 10.4%, मध्य प्रदेश के अंदर 8.5%, महाराष्ट्र 8%, आंध्र प्रदेश 7.9, गुजरात 7.2, कर्नाटक 6.9, बिहार 6.8, तमिलनाडु 5.5, उड़ीसा 3.8, और अदर के अंदर दूसरे जितने भी जैसे राजस्थान रह गया, पंजाब रह गया, बहुत से एरिया रह गए जो स्टेट्स रह गए उनका इस क्षेत्र 22.4%। अब ये है हॉर्टिकल्चर की जितनी भी शेयर है उनका मेजर, जो कि भाई कितने परसेंट वो प्रोड्यूस करती हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश का, फिर वेस्ट बंगाल का आ रहा है, और लास्ट में उड़ीसा तमिलनाडु है, पर इससे भी लास्ट और भी हैं जो अपने जिनको काउंट ही नहीं किया, जैसे राजस्थान, पंजाब, कुछ क्षेत्र और भी रह गए, वो उसमें बिल्कुल लास्ट वाले में आएंगे। फिर है मेजर वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो अपनी सब्जियां हैं जिस पे अपने अभी मेन फोकस है अपना जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश 15.4%। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल का आता है 15% सब्जियां प्रोड्यूस करता है, फिर मध्य प्रदेश है 9.5%, फिर आता है बिहार का 8.6%, फिर महाराष्ट्र का 6.7%, फिर गुजरात 6.6%, उड़ीसा 4.8%, कर्नाटक 4.6%, हरियाणा 3.9%, छत्तीसगढ़ 3.7%, और दूसरी जो भी स्टेट्स रह गई वो 21.2%। तो ये सब्जियों के अंदर है, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर थी, ये सब्जियों के अंदर है कि भाई उनका कितना शेयर है। क्रॉप वाइज एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें अलग अलग जो फसलें हैं अपनी सब्जियां हैं उनका एरिया और प्रोडक्शन दिया हुआ है। जो एरिया है याद रखना वो 1000 हेक्टर के अंदर है, और प्रोडक्शन 1000 मैट्रिक टन के अंदर है, ठीक है, 1000 हेक्टर और 1000 मैट्रिक टन के अंदर। तो बीन्स जो भी हैं, जैसे लिम्बा बीन, विंग्ड बीन, चौप चौ चवला जिसको आप काउपी बोलते हो, सारे मतलब बीन्स उनका है। अपने लेटेस्ट ही देखते हैं 2017-18 वाला, तो बीन्स सबसे ज़्यादा जो एरिया है उनका 228,000 हेक्टर, और प्रोडक्शन 2277,000 मैट्रिक टन, ठीक है। बिटरगार्ड का 97 और प्रोडक्शन है 1137, बोटलगार्ड है 157 और प्रोडक्शन है इसका 2683, ब्रिंजल का 730,000 हेक्टर और प्रोडक्शन है 12801,000 मैट्रिक टन, कैबेज है 399,000 हेक्टर और प्रोडक्शन है कैबेज का 9037,000 मैट्रिक टन, कैप्सिकम है 24,000 हेक्टर और कैप्सिकम का जो प्रोडक्शन है 326, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च का। फिर है कैरेट, गाजर 9797,000 हेक्टर और इसका जो प्रोडक्शन है 1648,000 मैट्रिक टन, कॉलीफ्लावर का 453,000 हेक्टर और प्रोडक्शन 8668,000 मैट्रिक टन, कुकुम्बर है खीरा 82,000 हेक्टर और प्रोडक्शन है 12,1260,000 मैट्रिक टन। चिल्लीज जो ग्रीन चिल्ली है, पहले मैंने कैप्सिकम को कहा था कि वो शिमला मिर्च है, ये चिल्ली है, 309,000 हेक्टर और प्रोडक्शन 3592,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। ओकरा भिंडी 509,000 हेक्टर, 6095,000 मैट्रिक टन। ओनियन का है एरिया 1285,000 हेक्टर एरिया, प्रोडक्शन है 2362,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। पॉइंटेड गार्ड जो परवल है उसका 20,000
थाउजेंड हेक्टर और प्रोडक्शन 310,000 मैट्रिक टन। पीज मटर है उनका 540,000 हेक्टर, प्रोडक्शन है 5422,000 मैट्रिक टन। पोटैटो जो आलू है उसका 2142,000 हेक्टर और 51310,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। स्वीट पोटैटो शकरकंद का 131,000 हेक्टर और 1500,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। टोमेटोज टमाटर 789,000 हेक्टर एरिया, 19759,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। रेडिश जो मूली है उसका 209,000 हेक्टर एरिया, 3061,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन। अब टोटल वेजिटेबल्स का बात की जाए तो टोटल है 10259,000 हेक्टर सब्जियों का, टोटल सब्जियों का उत्पादन है, ठीक है। तो और सॉरी टोटल ये एरिया है 10259,000 हेक्टर इसका एरिया है जो क्षेत्र है, और इनका टोटल जो प्रोडक्शन है 184,394,000 मैट्रिक टन इनका प्रोडक्शन है, ठीक है। द वेजिटेबल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट हैविली टू द नेशनल इकोनॉमी। मिलियंस ऑफ फार्मर बिजनेस पीपल्स मार्केटिंग एंड इंडस्ट्रीज सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हर्बिसाइड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेजिटेबल कल्टिवेशन। ये है अपना जो स्कोप देख रहे थे कि भाई उसमें पूरा क्षेत्र आ गया। अब है कि भाई जो सब्जियां जो भी इंडस्ट्रीज हैं वेजिटेबल्स से ज़्यादातर उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कोई पेस्टिसाइड वाली है, कोई फर्टिलाइज़र बना रही है, कोई हर्बिसाइड बना रही है शाकनाशी, कोई मशीनें तैयार कर रही हैं। तो ज़्यादातर जो मशीन जो है वो फैक्ट्रियां या कोई जो ज़्यादातर वो उनके ऊपर सब्जियों के उत्पादन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद है वेजिटेबल हैव ग्रेट पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड न्यूट्रिशन। मतलब वेजिटेबल ग्रेट पोटेंशियल रखती हैं कि जो इनकम को भी जनरेट करें, बहुत ज़्यादा ये कह लो कि आपको जो भी किसान है फार्मर है उसको इनकम भी मिले और रोज़गार भी मिले लोगों को, और इसके अलावा वो न्यूट्रिशन भी दे सकें, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया की जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो भी फेवरेबल है इस सब्जियों के लिए। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जी उगती रहती है। जैसे अभी की बात करें तो ये मान लो कि मध्य प्रदेश और जैसे ये साउथ वाला एरिया है, यहाँ अभी गोभी और कैबेज और कॉलीफ्लावर की कल्टीवेशन चल रही है। मतलब अभी उसकी वहाँ से जो प्रोड्यूस हुए हैं वो पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है। तो हो सकता है कभी जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, ये मान लो सॉरी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो ठंडे क्षेत्रों से सब्जियाँ आ रही होती हैं। मतलब अपना जो इंडिया का पूरा इनका भौगोलिक क्षेत्र है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ उग रही होती है। अपने को ऑफ सीजन जहाँ फोर्सिंग करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और न्यूट्रिशन वाला जो अपना पोषण है वो भी बना रहता है और इनकम भी मिलती है किसानों को। इन एडिशन टू दीज ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स, नॉन ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स विच हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल आर एस्पेरेगस, सेलरी, स्वीट पेपर, स्वीट कॉर्न, ग्रीन पी, फ्रेंच बीन और टोमेटो। अपने जो सब्जियां हैं ज़्यादातर ट्रेडिशनल सब्जियां हैं उनका भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो ट्रेडिशनल नहीं है सॉरी उनका भी। जैसे एस्पेरेगस है, शतावर है, स्पीयर्स कहते हैं, तो सैलरी है, इनको अपने बाहर विदेशों में इनकी मांग है। अगर इनकी अपने प्रोडक्शन करें तो विदेशों में इनकी बहुत ज़्यादा मांग है और जिससे अपने को विदेशी मुद्रा मिलेगी। और एक्सपोर्ट वाला जो है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा है तो अपने उसको पैदा कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया, जो क्या क्या समस्याएँ हैं, या फिर ये भी लिखा जा सकता है लिमिटेशंस इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया। लिमिटेशंस क्या हैं, तो
लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जी उत्पादन में भारत में या राजस्थान में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो वेजिटेबल आर हाईली पेरिशेबल, जो सब्जियां होती हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, मतलब एक जिंदा जीव जैसे काम करता है ना, जो क्रियाएं होती हैं वैसे ही सब्जियों में भी होती हैं, तुड़ाई के बाद भी उनमें रेस्पायरेशन भी होता है, उनमें केमिकल चेंज भी होते हैं, उनमें ट्रांसपायरेशन भी होता है, जो कि उसकी क्वालिटी को, अगर उसको ज़्यादा टाइम तक रखा जाए तो उसकी क्वालिटी को डिटोरेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत सी सब्जियां हैं जिनकी श्वसन दर कम होती है, उनको तो लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है, जैसे पोटैटो है, गार्लिक है, अनियन है, इनको तो लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे कोई पत्तेदार सब्जी है, उसकी जो रेस्पायरेशन रेट और ट्रांसपायरेशन रेट होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो जल्दी ख़राब हो जाती है, इसीलिए पेरिशेबल नेचर होने के कारण उनको ये कह लो कि जल्दी से जल्दी मार्केट तक लेके जाना होता है, इसलिए भी लोग उसको ज़्यादा कल्टीवेट नहीं करते, ये कह लो कि प्रॉब्लम है अपने लिए, सब्जी उत्पादन वाले जो भी किसान हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम है कि भाई जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, उसको जल्दी से जल्दी मार्केट तक लेके जाना होता है, इसलिए इसकी तुलना में फिर वो क्या करते हैं कि कोई सीरियल क्रॉप बो लेते हैं, या कोई ऐसी वेज सब्जी बोएंगे जिसका वो लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकें। अब उसकी कल्टीवेशन नहीं करेंगे जिसका उनको रेट ज़्यादा मिल रहा है, पर वो उनके पास साधन नहीं है कि वो उसको जल्दी से जल्दी उस मार्केट तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो दूसरा है इग्नोरेंस ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स। जो ज़्यादातर लोग आजकल वैसे रहते हैं वो ये मान लो कि ग्रामीण प्रवेश के इंडिया के अंदर, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस हिसाब से या कौन सा विटामिन कौन सी सब्जी में पाया जाता है, वो नेगलेक्ट करते हैं कि ठीक है सब्जी खानी है तो ठीक है, अब कद्दू एक टाइम आ गया तो मार्केट में कद्दू ही खा रहे हैं वो, ठीक है सस्ता पड़ रहा है वो, उनको ये नहीं पता कि अगर वो दूसरे नहीं खाएंगे, दूसरी कोई सब्जी नहीं खाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उसमें से 115 ग्राम आपको लीफी वेजिटेबल लेनी है, 75 ग्राम आपको रूट्स लेनी है, 115 ग्राम उधर लेनी, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करते, वो उनके अंदर उनको पता ही नहीं है, वो जैसे जो भी सब्जी मार्केट में आ रही है उसको खाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको जल्दी जल्दी खा लो, उसको न्यूट्रिएंट का नहीं पता, बस उनको खाने से मतलब है कि हम खा रहे हैं, ठीक है, और ना ही वो कल्टीवेट करते हैं उन सब्जियों को। फिर है तीसरा, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कल्टीवेशन, मतलब अनपढ़ता कह लो एक तरीके से, अशिक्षा, और जो टेक्निकल नॉलेज है सब्जियों को उगाने की, साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेट करने की, उसकी भी कमी है। बहुत सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि सब्जियों का कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके, पर वो जो टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती, जो साधन है वो ढंग से उनके पास पहुंच नहीं पाते। दूसरा अशिक्षा भी है, बहुत से संस्थान ऐसे हैं जैसे ICR है, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर वाराणसी वाला है, तो बहुत से लिटरेचर, ये कह लो कि लिटरेचर उनने बनाया है इन सब्जियों पे, उनने लिखा है कि भाई ऐसे ऐसे कल्टीवेशन करो, साइंटिफिक तरीके से करो, पर जो किसान होता है वो अनपढ़ होता है, मैक्सिमम किसान जो भी हैं अनपढ़ थे, तो उनको पता ही नहीं कि भाई वो पढ़ते हैं ही नहीं उस चीज़ को, तो कि ऐसे इस हिसाब से करना है, तो वो बस जैसा पहले करते आ रहे हैं वो उस ट्रेंड के अंदर, उसी ट्रेंड के अंदर वो करते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। वैसे अब तो बहुत कुछ सुधर चुका है, अपने इस प्रोडक्ट को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, पर फिर भी अभी भी कुछ कमियां हैं कि अपने जो अपना ट्रांसपोर्ट है उस सब्जी को, क्योंकि पेरिशेबल नेचर की है तो उसको जल्दी से जल्दी दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, लैक ऑफ इनफ रेफ्रिजरेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी। अब सब्जियां क्या होती हैं कि एकदम से मार्केट में आ गई, जैसे आलू की बात कर लें, प्याज की बात कर लें, कि एकदम से मार्केट में आ जाती है तो उनका रेट कम मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए अपने पास पर्याप्त जो उसको कोल्ड स्टोरेज कह लो एक तरीके से, कि रेफ्रिजरेशन जैसी कोल्ड स्टोरेज वाले जो भी स्टोरेज हैं वो अपने पास पर्याप्त नहीं है कि किसान अपना उत्पाद को वहाँ पर स्टोर करके रखे और जब उसकी कीमत उसको मिले तब वो उसको सेल करे, ऐसी कोई अपने पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी सीड इन टाइम। क्या होता है कि सब्जियां जो उगाई जाती हैं इनके लिए क्वालिटी बीज
का समय पे मिलना जरूरी है। अगर मैं मुझे रेट लेना है तो मैं उसको अगेती फसल लेने की कोशिश करूंगी, मैं जल्दी से जल्दी उस मार्केट को कवर कर सकूं, ठीक है, कि भाई वो जो ग्लट आने वाला है पीछे एकदम से सब्जियां आने वाली हैं वही सब्जी आने वाली है, उससे पहले मैं अपनी अर्ली वैरायटीज या कोई ऐसी किस्म को बोऊं जिससे कि वो पहले ही मार्केट को कवर कर ले, मुझे ज़्यादा रेट मिल सके। तो पर ऐसी कोई अवेबिलिटी टाइम पे हो नहीं पाती कि वो उस चीज़ को फॉलो कर सकें कि वो अगेती फसल ले सकें। माल प्रैक्टिसेस क्या है कि ये कह लो कि जो सब्जियां या उत्पाद होते हैं बहुत से स्टेप्स के बाद कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, इसके अंदर एक मिडल मैन रहता है, ठीक है, जो ज़्यादातर जो मोटा प्रॉफिट होता है उसी को होता है, किसान जो ग्रोवर होता है या प्रोड्यूसर होता है उसको इतना उसका मूल्य नहीं मिल पाता सब्जियों का, इसलिए भी ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि उसको ना मिलने के कारण वो उसकी तरफ कल्टीवेट करने की तरफ जाता ही नहीं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीड्स, सब्जियों के अंदर इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, इनमें बहुत से इंसेक्ट पेस्ट हैं जो सब्जियों को खराब कर देते हैं, मतलब इन पे ये कह लो कि ज़्यादा आते हैं दूसरी सब्जियों की, दूसरे जो फसलें होती हैं उनकी तुलना में ज़्यादा डिजीज इंसेक्ट पेस्ट का अटैक रहता है, तो उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल रहता है किसानों के लिए। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, जो सब्जियां होती हैं इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, मतलब इसको ये कह लो कि हर तीसरे या चौथे दिन पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई करनी ही पड़ती है। गर्मी के अंदर तो ये समस्या और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, गर्मी में तो सिंचाई की व्यवस्था होती नहीं किसानों के पास और उनको पानी देना पड़ता है, तो ये भी एक समस्या है कि वो सब्जियां कल्टीवेट नहीं करते, उनके पास इतना पानी नहीं होता उपलब्ध कि वो सब्जियां कल्टीवेट कर सकें। लैक ऑफ रिसर्च टेक्निकल गाइडेंस एंड सफिशियंट कैपिटल, जो सब्जियां हैं इन पे अभी तक कोई खास इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है कि उनकी, जो हुआ भी है तो ये मान लो कि टेक्निकल गाइडेंस नहीं है, वो पहुंच नहीं पाया हो। वैसे तो 1970 के पहले तो कोई ऐसा रिसर्च वर्क नहीं चल रहा था, पर अब तो बहुत से रिसर्च वर्क भी चल रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं ये चलती रहती हैं, जैसे पोटैटो पे है, वेजिटेबल्स ट्यूबर क्रॉप्स के ऊपर है, वो तो लगातार चल रहे हैं इनके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो पर उनकी जो टेक्निकल गाइडेंस है वो उनके पास पहुंच नहीं पाती है। अगर पहुंच भी जाती है, मान लो पहले तो रिसर्च ही नहीं था, मान लो अब रिसर्च भी हो रहा है, टेक्निकल गाइडेंस भी है, पहुंच भी रही है, तो पर सफिशियंट कैपिटल नहीं है किसानों के पास, किसान छोटे किसान जो भी हैं मार्जिनल फार्मर हैं वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते, कोई ग्रीन हाउस नहीं लगा सकते, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है, तो इस कारण से भी ये भी एक समस्या है वेजिटेबल प्रोडक्शन।